हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगा M40, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M40 है। ये स्मार्टफोन को मैंने अभी 2 दिन पहले बुक किया था, जो फ्लैश सेल चला था जो अमेजन से, तो ये मुझे आज शाम को मिल गया था। तो मैंने इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, साथ में बताऊंगा ये फोन आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना और काफी मजेदार होने वाला है। सारी डिटेल्स बताएंगे इसके अंदर, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, सब कुछ इसके अंदर बताएंगे। क्योंकि ये पेड रिव्यू नहीं है, ये अनपेड रिव्यू है, तो इसलिए इसके अंदर सारी सच्चाई बताई जाएगा। कुछ इसका अनबॉक्सिंग पहले आपने देखे होंगे कि उसके अंदर आपको सब कुछ डिटेल्स नहीं बताया गया होगा, तो इसके अंदर मैं आज बताऊंगा सब कुछ डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करके यहाँ पे ऑल ऑप्शन में कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको मिले। और यहाँ पे आपको और छोटा सा काम क्या करना है, वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, लाइक करोगे तो और भी वीडियो बनाने का मन करता है। तो यहाँ पे हल्के से शेयर बटन पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड वगैरह में, जहाँ भी आपको व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी करना है आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डब्बा ओपन कर लेता हूँ, ऊपर का ढक्कन उठ गया, तो यहाँ पे इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा फुल है, यानी कि आपको फोन आपके सामने है। इसको फोन को पहले उठा के साइड में करते हैं। अब इसका चार्जर जो है, मैं आपको बता दूं, इसका 2.0 एम्पेयर का एक चार्जर है। नहीं, अब उसमें दे रखा है सी टाइप का जो USB केबल, यहाँ पे सी टाइप का USB केबल है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंप्लीट सी टाइप का, जो कि यहाँ पे काफी सैमसंग ने कुछ वार किया है। ऊपर USB माइक्रो USB से थोड़ा सा इंप्रूव किया है सी टाइप का। तो यहाँ पे इसका इजेक्टर जो नहीं है, सिम इजेक्टर पिन है, तो इसको हम निकालते नहीं है, रख लेते हैं, हमारे पास अलग से एक रखा हुआ है, तो इसमें पड़े रहने दीजिए। और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है इसी के अंदर ही डेडिकेटेड जो है ईयरफोन, तो इसके अंदर ये ईयरफोन है। और सबसे दुख की बात क्या है, इसका ईयरफोन भी सी टाइप का ही है, ठीक है। उनके अंदर देखिए 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं है, तो इसी के थ्रू चार्जिंग करेंगे, इसी के थ्रू ऑडियो सुनेंगे, तो कोई सुनिए, ठीक ही है, अच्छा किया है। क्योंकि कई लोग होते हैं चार्जिंग लगा के ही म्यूजिक सुनते रहते थे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा सैमसंग ने इस बारे में सोचा है, बट ये 3.5 mm ऑडियो जैक दे देना चाहिए। ये थोड़ा था कि इसका डब्बे के अंदर क्या क्या है, क्या नहीं, आपको बता दिया मैंने। अब चलते हैं फोन के अंदर, उसके अंदर देखते हैं क्या बिल्ड क्वालिटी है, किस टाइप का है, क्या इस फोन को आपको लेना चाहिए और क्या क्या चीज है इसके अंदर, तो देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको साइड कर देता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी M4 वाला जो फोन है, इसके अंदर जो आपको देखने को मिल जाता है 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और दुख की बात है, जो डिस्प्ले है एमलॉयड नहीं है, ना सुपर एमलॉयड है, ये TFT डिस्प्ले है। मैं इसको बूट कर रहा हूँ, यानी पावर ऑन कर रहा हूँ, मैं आपको उसके बाद धीरे धीरे बता दूँ। तो ये जो एंड्रॉयड 9.5 पे रन करता है, आई थिंक इसके अंदर एंड्रॉयड क्यू भी अपडेट दे सकता है। इस साल तो मुश्किल है, दिसंबर के बाद ही पता चलेगा इसके अंदर आएगा कि नहीं। हाँ, इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जो सैमसंग का, One UI जो है लाटेस्ट, वो ऑप्शन इसके अंदर इनबिल्ट है। GB एंड 128 GB के अंदर इसके वेरिएंट है, और सैमसंग वाला थोड़ा सा हद कर दिया एक्चुअली, क्या ना थोड़ा सा इसके अंदर पीछे जो है कम से कम बैक कवर तो देना चाहिए, अगर नहीं तो नहीं पूरा जो कहते हैं ग्लास का पूरा लगा देता तो बढ़िया रहता। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्लास्टिक के जैसा, या कभी भी इनके साथ के हाथ से गिरता है तो कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएगा, तो इसके लिए जल्दी से मुझे पहले इसका कवर चढ़ाना पड़ेगा। तो और ऊपर से जो है ये जो TFT वाला जो डिस्प्ले है, इसके अंदर आई थिंक स्क्रीन गार्ड लगा नहीं रखा, तो थिंक चेक करना पड़ेगा, स्क्रीन गार्ड नहीं लगा रखा है, नहीं लगा रखा है स्क्रीन गार्ड नहीं है, तो बड़े दुख की बात है। और यहाँ पे वो आते हैं, यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि इसका आयर ब्लास्ट जो देखने को मिल जाता है टॉप में, और साथ में ये जो है इन डिस्प्ले, जो इसके अंदर इन डिस्प्ले साउंड टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर डिस्प्ले के अंदर आपको कहीं भी किसी पोजिशन में आपका ईयर रखोगे तो आपको साउंड महसूस होगा, सेम साउंड। तो आई थिंक ये जो हाफ पोर्शन है इसके ऊपर से आपको ठीक लगेगा, तो यहाँ पे स्किप कर देते हैं। और एक लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सिम इजेक्टर है, तो आप आराम से इसको निकाल के देख,
यहाँ पर जो है एक बार सिम ट्रे ओपन करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ एक मेमोरी कार्ड और एक सिम, अगर आप डुअल सिम यूज करेंगे तो इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। 128 GB है तो इसलिए शायद उसने नहीं दिया होगा। आई थिंक इसको दे देना चाहिए था। तो सैमसंग फ़ोन में तो ये सब आता रहता है डुअल सिम का, बट ये इसमें नहीं दिया है। तो अभी जो नीचे की पोर्शन में, यहाँ पे आपको एक जगह माइक देखने को मिलेगा और एक तरफ आपको साउंड देखने को मिल जाएगा, स्पीकर जो है। और ये जो है सी टाइप का जो पोर्ट है, यानी कि यूएसबी पोर्ट है, इसके अंदर आप म्यूजिक सुन सकते हो और साथ में आपको चार्जिंग कर सकते हो। राइट साइड में आपको ये पावर बटन है, वॉल्यूम अप डाउन रॉकर है, बस लिया। बैक साइड में आप घूम जाते हो तो आपको थोड़ा सा अच्छा दिखता है, फील लगता है, क्योंकि ये अगर इसके अंदर अमोलेड डिस्प्ले होता और साथ में प्लास्टिक का झोरी है, शीशे का कुछ देता, यानी ग्लास का कुछ कवर देता, तो ये प्रीमियम फील होता। फिर भी आपको बुरा नहीं लगेगा, फ़ोन अच्छा लगेगा। मैंने Realme 3 Pro यूज कर रहा हूँ, उससे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा बहुत इसका जो कि साइड वाला कर्व जो है वो थोड़ा अच्छा लगा है, और थिकनेस काफ़ी बढ़िया है, और ऊपर का जो बॉर्डर है ये काफ़ी कर्व खत्म कर रखा है पूरा, तो ये काफ़ी बढ़िया। और इन डिस्प्ले वाला जो कैमरा है ये काफ़ी गजब दिखा रहा है, तो क्या बताऊँ उसको। और ऊपर का बढ़िया सिस्टम बना रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, पासवर्ड नहीं चाहिए, स्किप एनीवे है, तो अभी ओपन हो जाएगा हमारा जो ये फ़ोन है। तो क्या आप इस फ़ोन को लेना चाहिए? अगर सैमसंग वालों ने थोड़ा सा इसका दिमाग लगाते, कम से कम 4000 यानी कि 4500 mAh की एक बैटरी इसके अंदर इनबिल्ट करते, तो इसके अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले या सुपर एमोलेड डिस्प्ले देते तो वो थोड़ा सा ठीक रहता। और साथ में कवर ना स्क्रीन गार्ड कुछ नहीं है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर जो दे दिया कि फास्ट चार्जिंग का, तो वो देखने का लायक है कि कितना ये फास्ट चार्जिंग वर्क करता है। आप इसको 19,990 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जो कि 6 GB एंड 128 GB वेरियंट में। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा पड़ गया मेरे ख्याल से। अदरवाइज सैमसंग सैमसंग है, ब्रांड्स बिकता है, और अभी थोड़ा सा ढीला हो गया ये शाओमी और रियलमी इनके चक्कर में। तो बट लेकिन ये देखिए कितना, ये जो है One UI, इसके अंदर लोकेशन वगैरह सेट कर देते हैं। तो मैं भी इसका फर्स्ट चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने One UI कभी यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट चल रहा है। क्योंकि इसके अंदर नॉर्मली में इसके अंदर कोई एप्लीकेशन वगैरह भी नहीं है, और फिर भी अभी तो स्मार्ट चले गए। अभी चलते हैं इसके सेटिंग्स में, देखते हैं इसके अंदर क्या सीन है। तो दोस्तों मैं इसके अंदर अनबॉक्सिंग और साथ में रिव्यू भी कर रहा हूँ, ताकि क्या ना एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। मैं दो दो बार वीडियो बनाना नहीं चाहता कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेड करो। तो यहाँ पे इसको अबाउट फ़ोन के अंदर जाते हैं। अभी नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ रखा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल गया One UI कोर के अंदर ये वाला 1.1 ऑप्शन है, और Android 9 का ये वाला ऑप्शन आ गया, Android 9 Pie का। अभी बैक कर जाते हैं, यहाँ पे कर्नल वगैरह, बिल्ड नंबर, और यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है लेटेस्ट अपडेट दे रखा है मई 5 का। मैं 2019 ये एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच दे रखा है, ये एंड्रॉयड पाई के साथ इनबिल्ट है, हो सकता है इसके अंदर एंड्रॉयड क्यू भी जल्दी आ जाए। तो दोस्तों इसके अंदर जो कैमरा दे रखा है, जो ट्रिपल कैमरा, ये काफ़ी लाजवाब कैमरा है। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है काफ़ी बढ़िया वेरिएंट कलर, तो यहाँ पे कलर हिसाब से काफ़ी बढ़िया बना रखा है। यहाँ पे डुअल और ट्रिपल ये ऑप्शन दे रखा है, कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे डुअल और ट्रिपल काफ़ी ज़बरदस्त। ये डुअल कैमरा के अंदर ये फ़ोन जो है यहाँ रखा हुआ है वो आ ही नहीं रहा है, पर जब ट्रिपल कैमरा दे देते हैं तो ये फ़ोन इसके आगे आ जाता है, ये काफ़ी मायने रखता है। इस फोटो को क्लिक कर देते हैं, एक बार आपको दिखाते हैं कैसे आ जाता है इसका व्यू। सॉरी मैं थोड़ा इसका, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि 19,000 समथिंग देके एक फ़ोन परचेज करने के लिए, तो आई थिंक गो फॉर इट, ये ले सकते हो, या साथ में और भी कोई परचेज कर सकते हो। बट आप अपने अपनी चॉइस होता है कि इसके अंदर जो जो मैंने बताया क्या क्या सही है क्या गलत है, ये हो जाता तो और प्रीमियर लगता फ़ोन, या ये भी फ़ोन भी अच्छा है, एकदम अच्छा है, कुछ लोग यूज़ करेंगे और भी यूज भी कर रहे हैं। फिर भी अगर आप मार्केट में देखें कि शाओमी के फ़ोन को देखें या रियलमी के फ़ोन देखें, तो उसके मुकाबले में सैमसंग कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। फिर भी जो है सो है, स्टाइलिश है, स्लिम है, चल रहा है मार्केट में, तो बढ़िया है। तो बस यही था आज के वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, साथ में शेयर भी कर देना। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि एक ज़बरदस्त सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से। बहुत जल्दी 10,000 में पहुंचने वाले हैं हम लोग, हमारी जो फैमिली है 10,000 में पहुंचने वाला है। तो मिलते हैं और धमाल करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।